तो मुझे याद दिला दिया करो मैं शुरू में जब क्लास स्टार्ट हो ना तो रिकॉर्ड कर लिया करू भूल जाता हूँ yes, सॉल्व करके देखो ये वाला क्वेश्चन किस पे ट्राई कर रहे हो यस सर यस सर इसमें यूज वही होना है लेकिन थोड़ा सा मैनुपलेशन का डिफरेंस है कैसे इसको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टू वन बाई टू तो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा यहां पे अंडर रूट ऑफ साइन थीटा थीटा डी थीटा दो अलग अलग इंटीग्रल हो गए अब ये जो जो है है इसको इसको बोलो बोलो तो वाला इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन थीटा थीटा डी थीटा तो ऊपर प्लस है तो यहां पे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी बोल दो इसको टी बोलोगे तो ऊपर तो डी बन जाएगा लेकिन नीचे क्या होगा ये वन माइनस टू साइन थीटा कॉस्टा इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू ये हो जाएगा तो ये क्या हो गया रूट टू तो बाहर आ गया डी टी अपन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी इक्वल टू रूट टू साइन इनवर्स टी रूट टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा ये पहला एंट्री करो दूसरे वाले में आई टू इस वाले में क्या करो साइन थीटा प्लस थीटा इसे टी बोलो तो ऊपर क्या हो जाएगा डी नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू आ जाएगा टी की जगह वाई यूज कर लेते कंफ्यूजन घटाने के लिए ना तो वाई स्क्वायर माइनस वन तो ये आपका हो जाएगा रूट टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई माइनस वन ये हो जाएगा रूट टू एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो अब इन दोनों को ऐड करना है और लिखना है तो ये आपका वन बाय रूट टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बाय रूट टू एल एन ऑफ साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा वाई इज वॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टू टाइम्स ये आंसर आ जाएगा आया कैसे होगा प्रोसेस yes, वही है लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन में आजकल थोड़ा लेंदी क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है तो इस कारण से मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे ठीक है ना तो आप चाहे तो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ट थीटा डी थीटा ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा डी थीटा ये घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को ठीक है सर अगर यहाँ 10 थीटा को टी स्क्वायर डाल के करें तो सर बेटा तो भी जाके फंसोगे तो वही अगर आप हमें से करके देखो कभी मैंने तुमसे कल बोला था ना ऐसी कोई भी इच्छाएं जागृत इच्छाएं जागृत हो तो उन्हें करके देख लो ठीक है ना मन में महसूस मत रखो कि ये क्या होगा अगर हम 10 थीटा को टी रख टी स्क्वायर रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टू टी, -डी -टी. है ना Yes, इससे डी थीटा क्या हो जाएगा टू टी डी टी वन प्लस टी स्क्वायर तो इसको आप क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा को टी स्क्वायर रखा तो अंडर टेन थीटा टी हो गया टू टी डी टी वन प्लस टी स्क्वायर तो आप ये कर सकते की हो फोर होने चाहिए ना, वन प्लस टी की पार आ, पार टी की फोर आ जाएगा तो यह ऊपर आपका टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर डी टी बन गया अब इसको क्या करना पड़ेगा याद है ना स्क्वायर यस सर। माइनस वन मतलब ये तो आसमान से गिरे खजूर में अटके यस सर चलो हुँ, 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 हुँ। हुँ। अब इसमें अगर हम लोग और प्रोफाइल देखे तो अगला एक प्रोफाइल ऐसे आ जाता है देखिए प्रोफाइल ढेरों हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ज्यादा काम के है ठीक है ना साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा एम और एन इंटीजर्स है अगर एम और एन इंटीजर्स है तो यहां पे क्या करना होता है यहां पे समझो इस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगर एम ऑड है और एन ईवन है तो थीटा को टी रख दो एम ईवन है एन ऑड है तो साइन थीटा को टी रखो अगर एम और एन दोनों ही ऑड है तो या तो साइन थीटा को या कॉस थीटा को जिसको लिखना चाहो आप उसको टी लिख सकते लेकिन एम और एन अगर ई वन है तो ट्रिक काम नहीं करती उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यूज कॉस टू थीटा फॉर्मूला तो वहां पे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा, की पावर फोर थीटा, थीटा, ये है। अगर आप इसको करना है तो देखो किसकी पावर ऑड है साइन की साइन की पावर ऑड है तो कॉस थीटा को क्या बोल दो टी तो कॉस थीटा को टी बोला तो माइनस साइन थीटा डी थीटा ये डी टी हो जाएगा तो एक एक साइन एक जो है आपका थीटा वो उसके साथ चला गया तो ये डी थीटा हो जाएगा कितना माइनस डीटी साइन थीटा साइन स्क्वायर एक क्या बचा कॉस थीटा तो ये हो गया टी स्क्वायर अब बच्चा साइन स्क्वायर थीटा उसे क्या बोल दो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर फोर माइनस स्क्वायर डी ठीक है इसका इंटीग्रेशन टी की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी तो आंसर कितना हो गया हमने कॉस सीटा तो कॉस की पावर ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा हो रहा है आसानी से इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर सिक्स थीटा कॉस की पावर फाइव थीटा डी थीटा करके देखो क्या आएगा जल्दी से बताओ आंसर समझ में आ रहा है ना यहाँ तक जो जो भी बताया वो सबको समझ में आ गया जल्दी से आंसर निकालो फिर जिसकी पावर ऑड होती है उसको टी रखते हैं जिसकी पावर इवन होती है उसको टी रखते हैं आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर यस सर ठीक यस सर पढ़ा है यस yes, सर पढ़ा तो so, sin थीटा को यहाँ t बोल दो तो cos थीटा d थीटा ये d t हो जाएगा तो so, ये t की पावर 6 एक cos

माइनस टू बाय नाइन साइन की पावर नाइन थीटा प्लस साइन की पावर सिक्स थीट सेवन थीटा अपॉन सेवन प्लस सी आया अब क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको ये वाला? यस yes, सर yes, अब तो जो जिसकी पावर इवन होगी ठीक है उसको टी बोलना है अब अगर दोनों पावर ऑड है तो किसी को भी टी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ताफाई हो जाएगा ठीक है अब लेकिन प्रॉब्लम आती है किसमें जब आती है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर सिक्स एक्स डी एक्स ये करना है अब पावर है इवन इवन पावर में बड़ी दिक्कत आती है तो इस तरह को करने को इस तरह के क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं वो एक तरीका तो कुछ ऐसा आ जाता है एक कॉस्ट डबल एंगल यूज करो ठीक है कॉस्ट डबल एंगल कैसे यूज करो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस टू थीटा बाय टू तो आप इसको वन प्लस टू थीटा बाय टू पावर थ्री डी थीटा ये लिख सकते हैं तो वन बाय एट इंटीग्रेशन वन प्लस थ्री कॉस टू थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस क्यूब ऑफ टू थीटा डी थीटा इसको आपको फिर से लिखना पड़ेगा वन बाय एट ये वन प्लस प्लस थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर टू थीटा कॉस स्क्टा को वन प्लस थीटा बाइ टू लिखा प्लस कॉस क्यूब टू थीटा बताओ कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा तो कॉस क्यूब ऑफ टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑफ़ सिक्स थीटा 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 प्लस थ्री टू डिवाइड बाय फोर डी इसको सिंप्लीफाई करके अब लिख दो इंटीग्रेशन वन यहां से थ्री बाय टू तो वन प्लस थ्री बाय टू हो गया फाइव बाई टू कॉस टू थीटा वाला टर्म यहां से आ रहा है थ्री कॉस टू थीटा टर्म से आ रहा है थ्री बाय फोर जो चाड़ती है बारह पंद्रह फिफ्टीन बाय फोर प्लस थ्री बाय टू कॉस फोर थीटा प्लस वन बाय फोर कॉस सिक्स थीटा तो ये क्या हो जाएगा वन बाय एट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किया जाएगा फाइव बाय टू थ्रीटा प्लस फिफ्टीन बाय एट साइन टू थ्रीटा प्लस थ्री बाय फोर साइन फोर थ्रीटा प्लस थ्री बाय फोर टू ऑलरेडी था एट वन बाय ट्वेंटी फोर आंसर आ जाएगा समझा क्या करा बस ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो जो डिग्री ज्यादा थी उस डिग्री को वन में कन्वर्ट करा ये एक और तरीका है, है ना अब इसमें एक तरीका और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा डी मोबे शर्म पड़ी होगी ना कि थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये क्या होता है जेड तो थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ये क्या हो जाएगा वन बाय जेड तो थीटा को हम लोग वन अपॉन टू जेड प्लस वन बाय जेड बोल सकते हैं लेकिन डी मोबे शर्म के अकॉर्डिंग की पावर एनस एन थीटा माइनस पावर एन तो बताओ यहां से कॉस एन थीटा क्या होगा वन अपॉन टू जेड की पावर एन प्लस वन अपॉन जेड की पावर एन डिवोर्स क्लियर है कॉम्प्लेक्स में किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताएं है? अब इससे हम लोग कैसे करेंगे मान लो मुझे कॉस की पावर सिक्स छीटा निकालना था कॉस की पावर सिक्स छीटा को मैं वन अपॉन टू जेड प्लस वन बाय जेड की पावर सिक्स लिख दूंगा वन बाय टू था ना तो टू की पावर सिक्स तो टू की पावर सिक्स तो वन बाय सिक्सटी फोर हो गया इसको ओपन करूंगा तो जेड की पावर सिक्स प्लस सिक्स टाइम जेड की पावर फोर सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी टू कितना हो जाएगा पंद्रह पंद्रह टाइम जेड स्क्वायर सिक्सटी टू फिर सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री कितना हो जाएगा वन टू थ्री सिक्स फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन बाय जेड स्क्वायर प्लस सिक्स बाय जेड की पावर फोर प्लस वन अपॉन जेड की पावर सिक्स ये ओपन होगा तो इसको क्या करो वन बाय सिक्सटी फोर जेड की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन जेड की पावर सिक्स सिक्स जेड की पावर फोर प्लस वन अपॉन जेड की पावर फोर प्लस फिफ्टीन टाइम जेड स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर प्लस इसे वन बाय सिक्सटी फोर बताओ जेड की पावर एन प्लस वन के जेड को हो जाएगा टू कॉस सिक्स थीटा सिक्स टू या ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व कॉस फोर थीटा प्लस थर्टी कॉस टू थीटा प्लस ट्वेंटी अब इसका इंटीग्रेशन है ये क्या हो गया कॉस की पॉल सिक्स थीटा इसका इंटीग्रेशन है डी थीटा तो इसका इंटीग्रेशन कर दो डी थीटा देखो वन बाय सिक्सटी फोर टू sine 6 theta upon 6 plus 12 sine 4 theta upon 4 30 sine 2 theta by 2 plus 2 20 times theta plus c आंसर आ जाएगा सबको कैसे करना है तो ऑप्शन देखना मतलब कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन क्या है उन ऑप्शन के हिसाब से वर्किंग करिएगा कि आपको आपको दोनों तरीके से मैंने करके दिखाया एक जगह क्या आ रहा है देखो वहां भी वही आएगा देखो क्या ये तरीका सबको समझ में आया yes, तो ये हो गया तो ऐसे करके अभी हम मोटा मोटा जो सब होता है ना ये सब वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों के यहाँ पे ओवर हो जाते हैं मतलब मोटे-मोटी हमने सारी प्रोफाइल्स यहां पे देख ली हैं ठीक है अब इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर होते हैं लेकिन वो क्या है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि आपको आपने क्वेश्चन करा है तो आपको चमक जाएगा नहीं तो नहीं है तो जितने क्वेश्चन करोगे जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करने कोशिश करोगे उतना आपके लोग के लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो हमारे पहला मैंने ये बताया था कि मेथड डिफरेंशिएशन में दो तरह के तरीके तीन तरीके तीन चार तरीके बोले थे पहला बोला था इंटीग्रेशन बाय सूशन वो हमारा खत्म हुआ अगला बोला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है हम उसकी बात करते हैं <laughs> सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली यूज करा जाता है उन इंटीग्रल्स के लिए जिनके नेचुरल वे कोई इंटीग्रल का तरीका नहीं सूझ रहा है या फिर जो ट्रांसिडेंशियल मतलब दो अलग अलग तरह के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ठीक है बेसिकली ये u इंटू मतलब प्रोडक्ट रूल है किसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल जो रहेगा वो आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये नॉर्मली हम वहां यूज करते हैं जहां पे दो अलग अलग तरह के फंक्शन अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पूरी तरह से ट्रिनोमेट्रिक पूरी तरह से एलजाइब्रिक या पूरी तरह से एक्सपोनेंशियल हुआ करता था लेकिन अब हम जिसकी बात करने वाले हैं उसमें दो अलग अलग तरह के फंक्शन एलजाइब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल इस टाइप के क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है देखिए इस तरह से देखिए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी वाई डी एक्स क्या आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ बाई डीएक्स ये होता था अब सोचो कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं डीएफ बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल एफ एक्स बोल देते हैं ठीक है ना डीएफ बाई डीएक्स को हम लोग क्या बोल देते कैपिटल एफ एक्स तो अब बताओ इससे f क्या हो जाएगा f विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स समझ में दो मिनट ये कंडीशन ये कैपिटल बोल रहा हूं ठीक है ना दिस इज कैपिटल तो यहां पे अब देखो कि इससे क्या चेंज होगा अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो देख रहा क्या बनेगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ये तो एफ इंटू जी बनेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू डी एफ बाई डी एक्स डीएक्स अब इसकी जगह हम लोग यहां पे सब्सिट्यूट करते हैं तो एफ की जगह क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ एफ इन टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इन टू ये हो जाएगा आपका डी जी बाय डी एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन इसको हम लोग क्या बोल देंगे सॉरी इंटीग्रेशन एफ एफ की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डीएक्स फिर इसका इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस जी एज एट इज डीएफ बाई डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स डीएक्स so, तो इससे देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू कैपिटल एफ डीएक्स किसके बराबर आएगा जी एक्स एज एट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स जी एक्स एज इज है ये अलग है माइनस ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स इंटू डी जी बाय डी एक्स और होल का डीएक्स ये फॉर्मूला बनता है अगर मैं इसको यू और इसको वी बोल देता हूं तो देख लो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या रहा है u एज इट इज v integration minus integration. का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन ये ये क्या था दिस वॉज इंटी जी की जगह कौन है यू तो डी यू बाय डी एक्स u पहले छोटा था उसका डेफ्रिशिएशन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ dx जो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन दी है ठीक है इंटीग्रेशन dx ध्यान देना कि यहां पे ये यू एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव और v के इंटीग्रल का प्रोडक्ट और फिर उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन है ठीक है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ठीक है parts, अब क्वेश्चन देख के ये कैसे पहचानेंगे कि u कौन है v कौन है ठीक है तो देख रहे हो कि हम लोग v को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रूल ऑफ थंब सिंपल सा ये है कि अगर जिसको इंटीग्रेट करना आसान है उसको हम V लेंगे और जिसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना आसान है उसे हम लोग यू लेंगे ठीक है मेन तो ये है लेकिन डिपेंडिंग ऑन सम एक्सपीरियंसेस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कुछ हमारे बुजुर्गों ने एक, एक, एक बना दिया क्या आईलेट आईलेट कम में मतलब क्या होता है आई मीन इनवर्स एल मीन्स लॉग ए मीन्स एल जेब्रिक टी मीन्स टिग्नोमेट्रिक ई मीन्स एक्सपोनशियल तो जो पहले आएगा वो यू होगा जो बाद में आएगा वो वी होगा ठीक है तो जो इनमें से जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फाइंड मी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स दो अलग अलग तरह के फंक्शन तो एक्स किस में काउंट होगा एलजेब्रिक किस में काउंट होगा लॉवर्थमिक तो यहां पर है और यहां पे एलजेब्रिक है तो लॉग ऊपर है तो पहले लॉग को बिजनेस शुरू करेंगे ठीक है तो पहले लॉग वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी तो बताओ कितना आएगा

वन बाय एक्स इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाय टू तो बताओ ये क्या रह जाएगा ये एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय टू माइनस यहां करो एक्स डी एक्स बाय टू तो बताओ ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा एक्स बाय टू डीएक्स इसे वेल्युएट करोगे तो एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी समझा सबको ठीक yes, yes, है चलो तो अपन कल मिलेंगे तो कल हम लोग इस प्रैक्टिस करेंगे ठीक है आ, और इसमें कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है तब तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ठीक है एक बुक आती है आपके पास प्रैक्टिस करें ठीक है ना, तो सर। ना? लगा ही रहे सर अभी। आ तो आगे ओके वेरी गुड चलो मैं तो ऐसे इसी से लगाते रहो क्योंकि अब क्या कि देखो पता नहीं चलेगा बड़ी स्पीड से सब चीजें हो जाएंगी इनडेफिनेट में टाइम लगता है फिर डेफिनेट धरधर धरधर धर धर डेफिनेट निकल जाता है ठीक है तो इस कारण से मैं दे, देख लो वहां से प्रैक्टिस कर लो ठीक है जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा कहा से कहा तक हाँ जीएन सब्सिट्यूशन के क्वेश्चन अगर देखोगे तो जीएन बर्मन में 1703 से लेके 1831 1703 सत्रह सो तीन से लेके अठारह सो इकतीस ये क्वेश्चन नंबर है ठीक है ना ये क्वेश्चन नंबर ट्राई करना बाकी कल हम लोग बात करते हैं, ठीक है ओके थैंक यू सर थैंक यू सर okay.